पटना पुलिस गुमशुदा की हर शिकायत के लिए बहुत ही गंभीर व संवेदनशील है। इसके लिए हम लोगों ने अनुमंडल स्तर पर अलग टीमें बनाई हुई हैं और एसपी द्वारा समय समय पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों व थाना को ब्रीफ भी किया जाता है। इसी क्रम में आज तारीख 12 को एसएचओ द्वारा थाना में जितने भी उपस्थित पदाधिकारी थे, स्पेशली वो लोग जो कि जनता से मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं, किस तरीके से जो भी कंप्लेंट मिसिंग की आती है उसको डील करना है ताकि पुलिस का जो रिस्पॉन्स है वो संवेदनशील रहे, ओवरऑल हमारा जो बिहेवियर है वो बेहतर बने, और वो जो क्रूशियल टाइम होता है जिसमें अगर पुलिस एक्ट करे तो रिकवरी हो सके, उस समय में बेहतर रिस्पॉन्स के लिए सभी पदाधिकारियों को ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ उपस्थित सभी कर्मियों के साथ शपथ दिलवाई गई, जिसमें यह शपथ ली कि जो भी पुलिस के संसाधन हैं वो ऐसे सभी केस जिसमें गुमशुदगी होती है, स्पेशली वो जिसमें माइनर की गुमशुदगी होती है, उसमें सभी संसाधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हम लोग लगाएंगे ताकि कोई भी बुरी घटना घटने से हम लोग बचा सकें और रिकवरी उसको इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ हमारा सभी लोगों से ये निवेदन है कि आपको अगर कहीं भी रास्ते में या फिर किसी जगह पर कोई संदिग्ध बच्चा, कोई अकेला बच्चा नज़र आता है जिसका कोई गार्जियन नज़र नहीं आता है, तो उसकी सूचना 112 पर दे सकते हैं या फिर कंसर्न थाना को दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चे जानकारी प्राप्त करते हुए उसके जो भी गार्जियंस हैं, फैमिली है, उससे उसको मिलाएं ताकि इस तरह की घटनाओं में कमी आए, और अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग भी हो गया है तो उसको उनसे मिला सकें। ओवरऑल हमारा प्रयास यही रहेगा कि पटना पुलिस का रिस्पॉन्स इन घटनाओं में और बेहतर रहे और संवेदनशील रहे ताकि लोगों का पटना पुलिस के प्रति जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बढ़े। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।